दोस्तों नमस्कार, मैं सिद्धार्थ आरी 78 चौहान ग्रीन वैली भिलाई। डीलिंग विद स्ट्रीट डॉग्स एपिसोड 2 में हम बातें करेंगे रैशनल साइंटिफिक सॉल्यूशन पे जो पीपल फॉर एनिमल्स ने दिए हैं। तर्क संगत वैज्ञानिक उपाय निकाले गए, उसके पहले कुछ शोध किए गए, उसके 3 निष्कर्ष है वो मैं आपको सुना देता हूँ। पहला, इस समस्या का कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं मिला। अगर होता तो कई साल पहले हम इस समस्या से निजात पा गए होते। दूसरा, स्ट्रीट डॉग्स हम मनुष्यों के बस्ती के अगल बगल ही हमेशा पलते आए हैं, रहते आए हैं। तीसरा, स्ट्रीट डॉग्स को कहीं दूर फेंकाना, उनके पपीज़ को मार देना, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही हम पुराने स्ट्रीट डॉग्स या पपीज़ को कहीं दूर फेंक आते हैं या उनके बच्चों को मार देते हैं तो उनकी जगह नए स्ट्रीट डॉग्स ले लेते हैं, इसीलिए ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं मिला। निष्कर्ष ये निकला, एक ही रास्ता दिखा, वो है उनको पालतू बना लेना। जैसे ही हम उन्हें पालतू बना लेते हैं वो दूसरे स्ट्रीट डॉग्स को अपने इलाके में नहीं आने देते हैं। उपाय के रूप में WHO ने कुछ उपाय बताए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। WHO द्वारा निर्देशित उपाय धीमे हैं लेकिन बहुत कारगर है। पहला, स्ट्रीट डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन करना, एक प्रकार से नसबंदी, ताकि उनकी जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके। तीसरा, वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण, जिससे रैबीज पे हम काबू पा सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा, कम्युनिटी लेवल अडॉप्शन, जैसे ही हमारी जैसी सोसाइटी है, हम उनको अगर अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको सुबह शाम खाना देते हैं, पानी देते हैं, तो वो हमें किसी प्रकार का कोई हार्म नहीं पहुँचाते हैं। ये तीनों स्टेप्स से ये फायदे हुए, पहला जनसंख्या कंट्रोल, दूसरा उनकी आक्रामकता कम हो जाती है, और तीसरा रैबीज से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाता है। वो जो दूसरे छोटे जानवर होते हैं उनको भी खा लेते हैं, जैसे चूहा है, सांप है इत्यादि, और चूहे को खाने की वजह से जो प्लेग जैसी एक महामारी है वो भी कम फैलने की आशंका काफ़ी कम हो जाती है। तो ये निष्कर्ष है जो WHO द्वारा दिए गए हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको फॉलो करें और उनके सॉल्यूशंस को भी फॉलो करें। और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि और क्या दिया गया है इनके बारे में, और तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अब इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।